कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद है बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली में। कुमार कुंदन, वहां पर किस तरह की हलचल, क्योंकि शाम तक ये जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष आ सकते हैं, यहाँ पर जो जश्न है वो मनाया जा सकता है, क्या अब थोड़ा और इंतजार किया जा रहा है क्योंकि अभी तक साफ तौर पर आंकड़े सामने नहीं आए? बिल्कुल सुमेरा, इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि शाम को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ परिणाम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के पक्ष में होगा, लेकिन जैसे जैसे देर हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे इंतजार लंबा हो रहा है और सबको इंतजार इस बात का था कि जेपी नड्डा कब आएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक बात बताएं, किस तरह का आप लोगों को इंतजार, अभी भी उम्मीद है या फिर उम्मीद छोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है आप लोगों? जी नहीं, उम्मीद क्यों छोड़ेंगे, बिल्कुल हमें उम्मीद है और हम जीत रहे हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। और ये माननीय नीतीश कुमार जी के जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनकी जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास के कार्यों की जीत है। सबका साथ सबका विकास, जनता विकास चाहती है और इसीलिए जनता ने जो ये ठगबंधन हुआ था, मैं इसे गठबंधन नहीं कहूँगी ठगबंधन कहूँगी, उसे जनता ने नकार दिया है। किस तरह का उत्साह है आप लोगों में, हालांकि रात के 9 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी भी देखते हैं लोग डटे हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे ही रुझान पता लगे तो कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यालय जुटना शुरू हो गए, तो ऑलमोस्ट 5 बजे करीब कार्यकर्ता आ रहे थे। जी कुमार, हम देख सकते हैं कि उत्साह बरकरार है, भले ही थोड़ी देर लग रही है, लेकिन वहां पर कार्यकर्ता डटे हुए हैं इंतजार में कि नतीजे साफ तौर पर सामने आ जाए। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।